हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकेश परमार एंड यू आर वाचिंग प्रतिष्ठा पब्लिक स्कूल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम हियर प्रेजेंट विथ कन्वर्सेशन ऑफ एवर सिंस। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑफ एवर सिंस कि हाउ टू यूज़ एवर सिंस एंड हाउ टू मेक क्वेश्चंस यूजिंग एवर सिंस। एवर सिंस क्या होता है और एवर सिंस का यूज़ करके क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो एवर सिंस का मतलब होता है जब से। ओके, तो जब भी हमारे सेंटेंस में जब से वर्ड आता है तो उसके लिए हमें एवर सिंस का यूज़ करना है, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको हमेशा सिंपल पास्ट में बनाना है। ओके, सिंपल पास्ट और कॉमा लगाकर जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो आपको परफेक्ट टेंस में बनाना है। क्लियर? देखते हैं एवर सिंस। जब से यू ज्वाइन प्रतिष्ठा, ओके, जब से आपने प्रतिष्ठा ज्वाइन की है, हैव यू बीन इम्प्रूविंग, क्या आप इम्प्रूव कर रहे हो, क्या आप में सुधार आ रहा है। जब से आपने प्रतिष्ठा ज्वाइन की है क्या आप में सुधार आ रहा है, तो जब से के लिए, तो जब से के बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा और उसके बाद कोमा लगाकर दूसरा सेंटेंस परफेक्ट टेंस का यूज करके बनाना है। तो हियर इज क्वेश्चन फॉर यू दैट एवर सिंस, ओके, यू ज्वाइन प्रतिष्ठा, हैव यू बीन इम्प्रूविंग, जब से आपने प्रतिष्ठा ज्वाइन की है क्या आप में इम्प्रूव हो रहा है। तो अब इसका आंसर कैसे देंगे? ओके, हाँ सर, हमें प्रतिष्ठा ज्वाइन किए 3 साल हो चुके हैं। ओके, सो हमें 3 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो प्रतिष्ठा ज्वाइन किए हुए, तो वी हैव ज्वाइंड प्रतिष्ठा बिफोर 3 इयर, सो नाउ वी आर या वी हैव बीन इम्प्रूविंग। ओके, हम धीरे धीरे इम्प्रूविंग कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो वी स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हम इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ भी स्टार्ट कर दिया है। सो नाउ वी आर नॉट फुली कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, बट ओके वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग और रीडिंग इंग्लिश प्रॉपरली, लेकिन हमने धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना सीख लिया है। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप और भी तरीके से दे सकते हो। क्लियर? कि हम सारे ग्रामर के जितने भी पार्ट्स हैं या सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाता है, हाउ टू अरेंज सेंटेंसेस, ऑल दिस थिंग्स वी आर लर्निंग स्लोली एंड वी आर इम्प्रूविंग इन अवर सेल्फ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर सिंस यू ग्रे अप, ओके, जब से आप बड़े हुए हैं, हैव यू बीन बियरिंग, ओके, क्या आप उठा रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ऑफ योर होम, आपके घर की, जब से आप बड़े हुए हैं क्या आप अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। ओके, तो जब से आप बड़े हुए हैं क्या आप अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। ओके, नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, सो ओके, घर की जितनी भी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस इज बियरिंग बाय माई फादर, इज बींग बियरिंग बाय माई फादर, उनके द्वारा उठाई जा रही है। सो नाउ डेज, ओके, हमारा परिवार पूरी तरह से अभी पापा की इनकम पर डिपेंड है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ओके, ऑल फैमिली, ओके, इज डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ माय फादर, सो नाउ डेज आई एम नॉट फुली श्योर दैट कि आई एम बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रे अप, ओके, मेयरली आई एम अ स्टूडेंट, सो आई कैन नॉट बियर अप ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली नाउ। क्लियर? इस तरह से हम बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एवर सिंस सर स्टॉप्ड हिंदी, ओके, बियरिंग का मीन्स होता है उठाना, ओके, उठाना, क्या उठा रहे हैं बियर, हाँ, एवर सिंस सर स्टॉप्ड हिंदी जब इन स्कूल, जब से सर ने स्कूल में हिंदी को रोका है, हैव यू स्पोकन हिंदी, क्या तुमने हिंदी में बात की है या हिंदी तुम बोले हो। ओके, यूजुअली, ओके, आवर टीचर इज अ काइंड ऑफ, मतलब अभी हमारे टीचर बहुत गुस्से वाले हैं, ओके, ही इज अ एंग्री यंग मैन, सो वो बहुत गुस्से वाले हैं, अगर वो हमें कभी देख लेते हैं, इफ ही सीज अस वाइल टॉकिंग इन हिंदी, तो वो हमें पनिश करते हैं, ही पनिश अस, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसलिए हमें उनके सामने बात करने में डर लगता है, सो वी हैव फियर ऑफ, ओके, टॉकिंग बिफोर हिम, इसलिए हम उनके सामने हिंदी नहीं बोलते हैं, वी डोंट स्पीक हिंदी बिफोर हिम, उनके सामने हम हिंदी नहीं बोलते हैं, यूजुअली हम इंग्लिश में बोलने की ही कोशिश करते हैं, जनरली वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हम सारे सेंटेंस इंग्लिश में ही बनाते हैं, वी मेक ऑल सेंटेंस इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे
सर ने हमें सारे रूल्स सिखा चुके हैं, ओके, आवर टीचर ऑलरेडी हैज टॉट ऑल रूल्स ऑफ इंग्लिश कि हाउ टू अरेंज सेंटेंसेस, और जनरली हम रोज डेली कुछ कीवर्ड्स भी लर्न करते हैं, ऑल्सो लर्न सम कीवर्ड्स ऑफ इंग्लिश फॉर इंग्लिश डिस्कशन। इसलिए हम छोटे और आसान प्रकार के जो सेंटेंस हैं, ओके, इजी एंड स्मॉल काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन ट्रांसलेट और वी कैन स्पीक इन इंग्लिश इजीली बिकॉज ऑफ द ओके बिकॉज ऑफ स्टॉप हिंदी इन स्कूल, हिंदी स्कूल में हिंदी रोक देने के कारण। सो जनरली ओके वी डू नॉट स्पीक हिंदी इन स्कूल एंड स्पेशली ड्यूरिंग द क्लास आवर्स, और खास करके क्लास आवर्स के दौरान, ओके। बट फिर भी जनरली जब हम घर जाते हैं, एज यूजुअली वी ओके सेट आउट फॉर होम या वी वर एट होम, जब भी हम घर पर वी आर एट होम, जब भी हम घर पर होते हैं तो आवर पेरेंट्स टॉक टू अस, हमसे बात करते हैं। सो बिजर वी कंडक्ट अवर कन्वर्सेशन इन हिंदी स्पेशली इन रीजनल डायलैक्ट्स, ओके, लोकल भाषा में ही हम बात करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम ओके अ लोकल एरिया आर आउटस्कर्ट एरिया फ्रॉम अ ब्लेज, हम एक छोटे गांव से हैं, आउटस्कर्ट एरिया से है, जहाँ की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, वेयर पीपल स्पीक अ पर्टिकुलर डिफरेंट लैंग्वेज रीजनल डायलैक्ट्स, सो हमें उनके साथ ऐसे ही बात करना पड़ता है, तो वी हैव टू टॉक ओके इन सिमिलर सेंस या इन सिमिलर डायलैक्ट्स एज अवर पेरेंट्स स्पीक, जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ एवर सिंस सर स्टार्टेड फाइन सिस्टम, जब से सर ने फाइन सिस्टम स्टार्ट किया, हाउ मेनी टाइम हैव यू पेड फाइन, तुमने कितनी बार फाइन पे किया है या तुम कितनी बार फाइन पे कर चुके हो, ओके। सो अभी तक हमारे स्कूल में कोई फाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके, देयर इज नो फाइन सिस्टम इन आवर स्कूल येट, ओके, या टिल नाउ, बट इन फ्यूचर, ओके, बट इन फ्यूचर, अगर भविष्य में इन फ्यूचर एवर आवर स्कूल स्टाफ स्टार्टेड ओके फाइन सिस्टम, तो मुझे भरोसा है, आई एम अश्योर्ड अबाउट दैट कि मैं फाइन नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे फाइन फॉर एवर, कभी भी फाइन नहीं दूंगा, बिकॉज मैं सारे नियमों का पालन करूंगा, आई विल फॉलो ऑल रूल्स, ओके, एंड ऑल्सो जब तक टिल देन तब तक ओके मैं इंग्लिश भी सीख लूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करते हुए सो डूइंग सो आई एम इम्प्रूविंग इन माई सेल्फ, और मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ, ओके, और टीचर स्कूल स्टाफ क्लासमेट्स सभी इस पर कोशिश कर रहे हैं, ओके, सभी अपने आप में इम्प्रूव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, और स्कूल स्टाफ टीचर्स स्कूल स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स एवरीबडी इन स्कूल आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एंड इम्प्रूविंग इन देम सेल्फ। सो मुझे लगता है, आई थिंक सो, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कभी फाइन नहीं देनी पड़ेगी, ओके, वी विल नॉट हैव टू पे फाइन एवर इन फ्यूचर, ओके, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रूल के कारण। क्लियर? नाउ एवर सिंस रोहित बिकम कैप्टन हैज ही बीन लीडिंग टीम इन गुड वे, एवर सिंस जब से रोहित कप्तान बना है या बना, हैज ही बीन लीडिंग, क्या वह लीड कर रहा है या नेतृत्व कर रहा है टीम का इन गुड वे, अच्छे ढंग से, ओके, जब से रोहित टीम का लीडर बना है या कैप्टन बना है, तब से क्या वो टीम को अच्छे से लीड कर रहा है, ओके, यस, आई थिंक, मुझे लगता है कि 2007 के बाद, ओके, आफ्टर 2007 इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हैं, ओके, सो मैनी गुड प्लेयर्स ज्वाइन इंडियन क्रिकेट टीम, सो इंडिया का पूरा क्रिकेटिंग सेंस क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड बदल चुका है, सो नाउ इंडियन क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड हैज़ बीन टोटली चेंज, ओके, ऑल्सो इन 2012, इसके अलावा हम 2011 में वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, वी ऑल्सो हैव वन वर्ल्ड कप इन 2011, ओके, आज दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज इंडिया के लिए खेलते हैं, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड प्ले फॉर आवर कंट्री लाइक इंडिया, सो मुझे लगता है कि अब इंडिया का कप्तान होना इतने परेशानी का कारण नहीं है, ओके, सो आई थिंक सो इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टास्क टू बीइंग अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि इंडिया के सभी प्लेयर बहुत अच्छे हैं और ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन टीम आर वेरी गुड और आर द बेस्ट, सो और इंडिया में क्रिकेटर्स की कोई कमी नहीं है, ओके, हाँ, अगर हम हॉकी को अलग कर दें तो
उसके क्रिकेट ही आज के समय में क्रिकेट ही भारत का नेशनल गेम बन चुका है। क्रिकेट हैज़ बिकम अ नेशनल गेम ऑफ कंट्री इफ बी अपार्ट नेशनल हॉकी फ्रॉम द गेम्स। सो एवरीबडी नोज क्रिकेट, एवरीबडी लाइक्स क्रिकेट एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट या प्ले वॉन्ट्स टू बी प्ले क्रिकेट ऑल्सो। सो इंडियन स्टैंडर्ड इन क्रिकेट या इंडियन लॉगिंग्स, इंडियन बिलिंग्स इन क्रिकेट टोटली डेवलप्ड थ्रूली एंड इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ और क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसीआई हैज़ फुली फॉर्म्ड। और आज के समय में वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला बोर्ड भी हमारा ही है। सो इट इज़ द मोस्ट कैपिटलिस्ट बोर्ड ऑफ इज बीसीसीआई इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक सो रोहित इज, मुझे लगता है कि रोहित अच्छे से लीड कर रहा है। तो रोहित इज बीइंग रोहित हैज बीन लीडिंग टीम गुड वे सिंस व्हेन या एवर सिंस ही बिकेम कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। और मुझे लगता है इस साल का वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम ही जीतेगी। आई थिंक सो एज वेल। इट इज़ माई ओपिनियन इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर बिकॉज इस बार हमारी टीम पूरी तरह से फॉर्म में है। नाउ आवर टीम इज इन फुली फॉर्म, एवरीबडी इज डूइंग वेल, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर्स, एवरीथिंग इज करेक्ट वे। सो 99% चांसेस टू विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो इस तरह से हम अपने कन्वर्सेशन को कर सकते हैं। क्लियर? एक बार हम क्वेश्चन को देखें, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को बनाना। एवर सिंस, जब से यू ज्वाइंड प्रतिष्ठा, आपने प्रतिष्ठा ज्वाइन की है, हैव यू बीन इम्प्रूविंग, क्या आप में इम्प्रूव हो रहा है? क्लियर? नेक्स्ट, एवर सिंस यू ग्रे अप, जब से आप बड़े हुए हैं, हैव यू बीन बियरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप जिम्मेदारियां उठा रहे हैं ऑफ योर होम, आपके घर की? एवर सिंस सर स्टॉप्ड हिंदी इन स्कूल, जब से सर ने स्कूल में हिंदी को बंद किया है, हैव यू स्पोकन हिंदी, क्या तुम इस हिंदी में बात की है, क्या तुमने हिंदी में बात की है? फिर एवर सिंस सर स्टार्टेड फाइन सिस्टम, जब से सर ने फाइन सिस्टम स्टार्ट किया है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू पेड फाइन, तुमने कितनी बार फाइन पे की है? एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन, जब से रोहित कैप्टन बना है, हैज ही बीन लीडिंग टीम, क्या वह टीम को लीड कर रहा है इन गुड वे, अच्छे तरीके से? तो इन क्वेश्चंस को रीड करके आप भी अपने आंसर्स दीजिए। यस नो के इंस्टेड ऑफ यस मेकिंग योर आंसर इन यस और नो, यू मस्ट प्लेस या यू मस्ट चूज बेटर वे ऑफ आंसरिंग, आपके आंसर का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। क्लियर? तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू।